आज जो ब्लू कलर की लड़की मेरे साथ बैठी हुई है, ये शुरू से मुझे मैरिज मटेरियल लगती थी, लेकिन इन्होंने मुझे चकमा दे के किसी और से शादी कर ली। लेकिन मेरे पास तुम हो के बाद बड़ी उम्मीद है कि शादीशुदा लड़कियां जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। इन्होंने पुराने लॉलीवुड में भी गुजरों के साथ काम किया और नए लॉलीवुड में भी सूट वाले गुजरों के साथ काम किया है, वो वही लेकिन सूट अच्छे हैं। जिम जाके अपने ऐप्स की फोटो इंस्टाग्राम पे लगाना और मांगी हुई बाइकों पे बैठ के सेक्सी पिक्स अपलोड करना इनका फेवरेट पास टाइम है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी जिंदगी का सफर कैसा चल रहा है और ये मुझे अपनी बाइक पे बैठा के कब राउंड दे रही हैं। प्लीज वेलकम द जॉर्जियस एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड सना फाखर। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रो अच्छा लगा आपको? हाँ, मैंने बड़े दिल से लिखा है ये जो है ना, किसी ने ऐसा नहीं किया आज तक कभी भी। देखिए हमने स्टार्ट ऑफ ही बड़े अच्छे उस पे किया है तो इंशाल्लाह लोग मोस्टली डर जाते हैं मुझसे। अच्छा, डर जाते हैं आपसे, पता नहीं क्यों हमारे आप तो बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है। सना, एक मैंने आपके पाकिस्तानी फिल्म में देखा एक सीन में, उसमें आप लेस्बियन बनी हुई थी, आपको याद है वो सीन? बिल्कुल याद है एंड आई लव्ड इट। Oh, you loved it? Yeah, of course. So, I mean, that was not norm. That was not normal. So, things are, which is little, not normal. I wouldn't say abnormal. But, you know, that's the normal thing is things are boring. मुझे अपने पहले audition का बताएं. क्या हमारी industry में casting couch exist करता है? Casting couch, yes. I think पहले भी था, अब भी है और रहेगा और टीवी ड्रामा में भी है, सब जगह है, जहाँ है, जितना तक है, होता है, that's what you have heard. मुझे लगता है कि Me Too के बाद काफी सारे मर्द हजरात की पट दी गई है। You're right. है ना, अब कास्टिंग काउच का वो सोच भी नहीं सकते, अब कास्टिंग काउच का सिर्फ काउच भी नहीं रखते हम लोग अपने ऑफिसेज में कि यार होगा तो वो कहेंगे देखो काउच पड़ा हुआ था और वो नहीं नहीं मुझे लगता है अब लोग वैसे भी थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, सो काम और क्या कहते हैं बाकी चीजों में फर्क उनको समझ आ गई है। मेरे अलावा आप कितने लोगों को जानती हैं इंडस्ट्री में जो वर्जिन है? दिस इज सो फनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। नहीं, किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ मैं रह गया हूं। जानती है, मगर वो जो पहले वाला बोला था मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी आप वहां पर ही हैं? एक साहब बैठे हैं सामने जो है ना, उनसे मुझे डर लग रहा है, वो आपके साथ है? जी, वो मेरे गार्ड है। अच्छा, गार्ड है आपके? मुझे बता दी, मैं भी अपना गार्ड साथ लाता, ये दोनों आपस में करते रहते बातें। अच्छा ठीक है, तो मेरे अलावा इंडस्ट्री में कोई वजह नहीं रह गया, ये सना का ख्याल है। आप अपनी सहेलियों से बात करें ना, मुझे थोड़ा हेल्प करें, मुझे जाना है, बताएं उनको जो है ना, मैं जिम भी जा रहा हूँ, टीके भी लगवाता हूँ जाके, और मेरे पास वो शरबत फौलाद के जग भी पड़े हैं ऊपर, तो काफ़ी कुछ है ना, मतलब अच्छा है वो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे गाइड कर सकते हैं मेरे अलावा? कौन कौन कौन? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने एक का तो बोला नहीं इसलिए कौन कौन मैं नहीं बता सकते। मेरे तो कोई पिम फ्रेंड्स नहीं है, उसमें से एक भी पिम नहीं है, हालांकि मैं कहता हूँ एक तो हर ग्रुप में होना चाहिए जो है ना। ओके सना, आपने शादी जब आपकी हो रही थी तो आपने अपनी बैचलरेट नाइट पे कोई मेल स्ट्रिपर्स बुलाए थे, मेल डांसर्स वगैरह कोई? मैंने की ही नहीं, कोई ऐसी नहीं किया आपने? अरे यार, मौका आपने हाथ से जाने दिया। मैं बड़ी कोई इस मामले में पुराने ख्याल आती हूँ तो मेरे तो। ये बताएं कि खुले आसमान के नीचे क्या हुआ था, मतलब फिल्म में क्या हुआ था? फिल्म में क्या हुआ था? आप तीन हो उसके अंदर। हाँ, क्या हुआ था? कोई एक्सपीरियंस बताएं अच्छा सा। वैसे तो हुआ तो ये दिल आपका में था। ओ, ये दिल आपका। हाँ, फिर देन कंटिन्यू किया खुले आसमां तक। हाँ, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, दैट्स द एक्चुअली वाज द क्वेश्चन, राइट? बट इट्स ओके। या क्या हुआ अकॉर्डिंग टू मी, करना तो बहुत कुछ था, हुआ नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो सलीम शेख ने डुबा दिया क्या? सलीम शेख ने डुबाया? सलीम शेख तो उसमें भी था। हाँ, दोनों में। आपकी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा किस बात पे बजाई जाती है? किस बात पे बजाई जाती है कि फोटोशॉप है मसल्स, और समटाइम मेरे कोई भी ऐसी पिक्चर आए, ट्रोल्स करते हैं बहुत सारे दफा लोग, तो इट्स ओके। okay. जवाब देती हैं आप कभी? नहीं, दिल करता है जवाब देने का? है ना, दिल करता है मगर मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि ये एक्सेस हमने ही लोगों को दिया है कि वो ये कह सकते हैं, क्योंकि यही तो उनके पास सिर्फ इतनी सी तो चीज है कि वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, तो प्लीज लेट देम से ना, उनको कहने दें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अपने दिल की भड़ास निकाले, पता नहीं कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या मसला है उनके घर का। तो आपको दुनिया बड़ी ब्लू ब्लू नजर आ रही होगी इस वक्त?
लोगों को वंस इन अ ब्लू आती है, मुझे ऑल द टाइम आती है, तो इट्स फाइन। हां, सब नीले पड़ के होंगे आपके सामने, है ना? लोग पड़ के मेरी, हां हां, ये बड़ा कैरेक्टर बना बनाया जो है ना। हालांकि दिख मैं नीली रही हूं रोबोकॉप, लेकिन पीपल एक्चुअली यू नो होता ना, हां वंस इन अ ब्लू। बहुत अच्छा, आपने हिम्मत अच्छी की है। इस पे कमेंट्स बड़े आएंगे जबरदस्त, 80,000 कमेंट इनके चश्मों पे और इस पे आएंगे, और वो बड़ा जबरदस्त होंगे, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ओके, इनमें से सबसे ज्यादा सेक्सफुल अदाकार आपको कौन लगता है? सेक्सफुल समझती है ना? कामयाब लोग होते हैं सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, अच्छा, सक्सेसफुल। ओके ओके ठीक है ठीक है। मोमी डार्लिंग, मैं मोमी डार्लिंग बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। सलीम शेख, लंबे लंबे बालों वाला बाबर अली या फिर साउद? None of them, I guess. कोई सेक्सफुल नहीं है? No, these days. पीके सारे के सारे? नहीं, पीके नहीं है, but they are like we they are doing good, they are doing great, but ऐसा है, ये नहीं, टाइटल नहीं दे सकते आप। नहीं, मैंने पूछा था full of sex कौन है इनमें से? I have no idea. No idea. तो आप इनको देख के एक्टिंग नहीं करती थी, पत्थर को देख के एक्टिंग करती थी? अभी तक ऐसी हूँ। ये बताएं कि फिल्मों में एक्टर्स के लिए गुल बदन होना कितना जरूरी है, लड़के एक्टर्स के लिए? लड़के? हाँ, और लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए क्या होना? गुल बदन। वो क्या होता है? गुल बदन होता है वोलप्चुअस। वोलप, या ये वाला होना कितना जरूरी है? हाँ, वोलप्चुअस। अच्छा, वोलप्चुअस। आप ये डायरेक्टर्स से पूछें, जो भी डायरेक्टर्स आते हैं एक्टर्स क्या बताएंगे कि, क्योंकि उनको कैरेक्टर के हिसाब से कास्ट करना। ये क्या एक मिथ है कि? अच्छा, सबसे बेस्ट बात यह है कि आजकल एक बड़ी अच्छी चीज है, आजकल वो टाइम नहीं रहा वो जो पहले होता था। इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट ब्यूटी, आई थिंक हम एक्सपैंड कर गए, हमें बहुत सारी और चीज़ें। अब मुझे लगता है कि पहले होता था कि हीरो या हीरोइन को ऐसा होना चाहिए, अब ये है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपकी शक्ल क्या है डज नॉट मैटर, आप क्या मोटे हैं पतले हैं क्या है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर में फिट हैं तो। अब आजकल एक्टिंग देख रहे हैं और बाकी जगह नहीं देख रहे? नहीं देख रहे हैं। अच्छा, चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ। आपने ट्रू या फॉल्स कहना है, जाहिर है। मेरा मुकाबला ये रीमा मीरा रेशम से नहीं है, मेरा मुकाबला है किम कार्डेशियन से। यस, है ना? ट्रू। तो इन फैक्ट उससे भी नहीं है, जेनिफर लोपेज से। जेनिफर लोपेज से? एंजेलिना जोली से। आपको पता नहीं ये दोनों किस बात के लिए मशहूर हैं? जी, आई डोंट माइंड। जेनिफर लोपेज भी और किम कार्डेशियन? नहीं नहीं, वो टैलेंटेड भी बहुत हैं। दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे हैव। अच्छा अच्छा, मैंने को नोट नहीं किया। दैट्स प्लस। ओके, मेरे साथ कभी किसी ने सेट पे बदतमीजी नहीं की, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। कभी नहीं की? नो। है? नो। वाह वाह, पहली है। या दैट्स, या आप गिनीज बुक में भी लिख सकते हैं, मेरे साथ कोई डेयर भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैं नहीं करती। द वन थिंग आई बिलीव, गिव रिस्पेक्ट एंड गेन रिस्पेक्ट। ओके, मैं अवार्ड्स में बिलीव नहीं करती, मैं रिवॉर्ड्स में बिलीव करती हूं, मतलब रोकड़ा। Yes, but I got a lot of, I've received a lot of awards. आपने कोई आइटम नंबर नहीं किया ये नई वाली फिल्मों में अब तक? हालांकि आप बहुत अच्छी डांसर हैं। किया है? कौन सा? अभी रिसेंटली मैंने किया है, बल्कि दो तीन किए हैं। हाँ, ये एक तो मैंने किया था, फारूक मेंगल की एक फिल्म हिजरत आई थी, उसमें। अच्छा, मैंने नहीं देखी। नहीं, हाँ, वो didn't go well, तो और दूसरा? दूसरा मैंने किसमें, मैंने दूसरा अभी रिसेंटली किया, वो आई नहीं है फिल्म। अच्छा अच्छा, हाँ। जब आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उसका नाम है। इनमें से कौन सा आइटम ना बेहतर कर सकती थी, बिल्ली, टूटी फ्रूटी, कैफो सुरूर के करबाज दिल? याद है आपको ये गाना? जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एंड आई हैव नो यू नो क्लेम और क्लेम कि मैं अच्छा कर सकती थी, नहीं। क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है जो आपने अभी कही, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जो आपने उसमें उर्दू का बताना है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। है जी, गे लॉर्ड्स, द गेज, इनको उर्दू में क्या कहते हैं? गेज, ऑब्वियसली उसको उर्दू में बड़ा अजीब सा लगता है कहता है। कहने इस शो पे सारी बातें अजीब ही हो रही हैं। ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा। अब सना, इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही पिछले साल? अमेरिकन बूटी, मिशनरी इम्पॉसिबल, मियामी स्पाइस, हॉट बबलगम या द पॉन आइडेंटिटी? ये सब फैमिली फिल्में हैं, ये मैंने देखी। इनमें से मैं कोई भी नहीं देखी। नहीं, I did not get time, but might be, I was so busy. सिनेमा में कभी कभी जाके लोग जो है वो देखें तो वो देखिएगा, द पॉर्न आइडेंटिटी, वो सबसे बेस्ट है इनमें। अच्छा, ओके, फैमिली स्टोरी, ठीक।
नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट, जिसमें जो वर्ड मैं आपको फेंकूंगा आपने वापस एक वर्ड में मुझे जवाब देना है। रेडी आप? ओके। जावेद शेख साहब। ही इज मेंटोर। यासिर नवाज। ही इज अमेजिंग डायरेक्टर। ब्लॉगर बरादरी। बस क्या बोलूं मैं उनके लिए। शरबत फौलाद, जिसकी पहले भी हमने जिक्र किया। कौन था? दैट्स व्हाट यू नीडेड, हां यू सेड सो। On the weekends only. wrong number two. Wrong number three. Oh, three भी आने वाली है. Film star Noor. Cousin. अभी cousin है ना? Yeah. चाय की coffee. Coffee. Coke के cocaine. No. अच्छा coke भी नहीं पीती हम. Boxers के briefs लड़कों पे. Boxers? या वो जो ब्रीफ होते हैं बॉक्सर से। तीन तरीके बताएं जिससे एड्स हो सकता है। देखें चलो तीन तरीके हाँ बताएं। इट्स वेरी सिंपल। बताएं मुझे नहीं पता। हॉस्पिटल्स में भी लिखा होता है, ठीक है, बैनर्स होते हैं तो आप जाएं कि लौंडेबाजी ना करें। लौंडेबाजी ना, ये साइन लिखा हुआ होता है हॉस्पिटल में। यार ये कौन सा हॉस्पिटल है? अपने दोस्तों को बताऊंगा वहां ना जाए कभी भी। और अपनों के साथ खुश रहें। ये भी लिखा अपनों के साथ, ठीक। अपनों के साथ वो कहते हैं ना, सब्र शुक्र के साथ रहें। गुड एडवाइस। किस हीरो को देख के दिल में घंटियां बजती हैं? बाहर का भी हो सकता है। किस हीरो को देख के? मुझे अपने हीरो को देख के दिल में घंटियां बजती हैं। आई स्टिल इन लव एंड आई कीप लविंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त बात है। सीखें कुछ आप लोग तो दूसरों की बीवियों को देखते रहते हैं। एंड आई एम प्रोफेशनल टुवर्ड माय जॉब, दैट्स इट, दैट्स माय जॉब। I am not pleasing and don't expect people, you know, that I'm going to please anyone. She's not going to please anyone. No. You get out. No, main gusse mein nahi hu. Aise hi. Main gusse mein aa gaya hu. Sorry sir. Kya samajhte hain log apne aap ko? Ji sir. Mera gussa bada Khalid sahab ki zara jo hai na. Hi everyone, you're watching Voice Over Man. If you like anything, if you like the interview, do comment, do subscribe this channel, or tell us your feedback. We really expect that, you know, you say something good about us.